वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 12 खेला जाएगा अरावली एरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स वुमेन्स के बीच में। दोनों टीम्स की बात करेंगे, कौन सी टीम के ज़्यादा प्लेयर लेने, कौन सी टीम के कम प्लेयर लेने, कौन सी टीम के किस प्लेयर को सीवीसी देना है, किसे ड्रॉप करना है, सब कुछ आपको मात्र और मात्र एक वीडियो में मिल जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपका काम बन जाएगा। वीडियो अगर देखने आए हो तो वीडियो को भाई एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर भाई आपको हर एक मैच की जो भी मैच मैं कवर करता हूं उसके भाई वीडियो एनालिसिस मिलता है। प्लस भाई सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले के जो 3 मैच हुए हैं उनमें भाई जबरदस्त तरीके से आप लोगों को विनिंग करवाई है। जो वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज के प्रीवियस 3 मैच थे जबरदस्त विनिंग है, यहां पर आप देख सकते हो सिंगल सिंगल कॉन्टेस्ट हमने विन किया है, कोई एक ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं जहां पर हमने हारा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो कॉन्टेस्ट विन कर लिया ऐसा हो गया, भाई सारे के सारे कॉन्टेस्ट हमने जबरदस्त तरीके से विनिंग की हुई है। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, फाइनल अपडेट रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की, तो यहां पर भाई पॉइंट्स टेबल में चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि दोनों टीम्स में से किस टीम के जीतने के चांसेस थोड़े बेटर है। नंबर 3 पर आपको अरावली एरोज दिख जाएगी, 3 मैच में से 2 मैच विन किया, प्लस 19 का स्कोर डिफरेंस है, 12 पॉइंट के साथ नंबर 3 पर है। पैंथर्स 3 के 3 मैच हार के आ रही है, सबसे नीचे लगी हुई है और 6th पोजीशन पर है, ठीक है। अब अगर बात करें भाई यहां पर टीम की, तो क्लियरली आपको पता लग गया होगा कि आपको अरावली एरोस के फेवर में ही टीम बनाना चाहिए, क्योंकि यही फेवरेट टीम है और इन्हीं के प्लेयर से ज्यादा अच्छा करेंगे। अब अगर बात करें भाई जो 2 प्लेयर हमें लेने हैं पेरियार पैंथर से, वो कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं, ज्योति अर्ग्यान नो डाउट भाई मस्ट हैव पिक रहेगी यहाँ पर। आप देखिए लास्ट मैच में भी 2 टैकल 1 टच पॉइंट निकाला, उससे पहले वाले मैच में मुरथल मैग्नेट जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने भी 1 टैकल और 1 टच पॉइंट इन्होंने निकाला था। बट जो पलानी सॉरी पंचाला प्राइड्स की टीम है, इनके सामने अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आया हुआ है, 8 रेड पॉइंट इन्होंने निकाल कर दिए थे, नो डाउट मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगी। बाकी अगर बात करें यहाँ पर खुशी अजीत कुमार सिंह की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूट के तौर पर आकर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो अगर ये स्टार्टिंग 7 में होती है तो इन्हें स्मॉल लीग में रख सकते हो। बाकी अगर ये स्टार्टिंग 7 में नहीं होती है, सब्स्टिट्यूट में होती है, तो जीएल मिनीजीएल की एक आधे कॉन्टेस्ट में आप इन्हें जरूर बैक कीजिएगा। 5 टच पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट, 2 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाल कर दिए हैं। वही अगर आप देखोगे भाई यहाँ पर जो फुरकाना खुर्शीद है, जीएल मिनीजीएल के लिए मस्ट पिक, स्मॉल लीग में बिल्कुल एवरेज रहेंगे। जी विनोद कुमारी की बात करें, लास्ट मैच में भाई सब्स्टिट्यूट के तौर पर आई और 1 टैकल निकाल कर गई, जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी भी रही थी, थोड़ी देर के लिए आई थी बट भाई अच्छा काम किया था, ठीक है। जीएल मिनीजीएल में ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए रहेंगी। अब अगर बात करें भाई यहां पर रेडिंग सेक्शन में, तो यहां पर भाई आपको कीर्ति ताल्यान दिखेंगी, जो कि स्टार्टिंग के 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है, लास्ट मैच में 5 टच पॉइंट और सॉरी फर्स्ट मैच में 5 टच पॉइंट और उसके बाद 9 पॉइंट इन्होंने निकाले थे रेडिंग में, जिसमें 7 टच पॉइंट 2 बोनस पॉइंट निकाले थे मुरथल मैग्नेट जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, हालांकि लास्ट मैच में कंप्लीट फ्लॉप रही। वही अगर आप देखोगे भाई अपर अवंतिका चौधरी, लास्ट मैच में 3 टच पॉइंट 1 टैकल पॉइंट, इससे पहले वाले मैच में भी भाई बंदी ने 2 टैकल निकाले और फर्स्ट मैच में भी बंदी ने भाई 1 बोनस पॉइंट 2 टैकल पॉइंट निकाले हुए, तो नो डाउट मस्ट पिक रहेगी। इसके अलावा ए सीजर की बात करें, जीएल में निजल में ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर बात करें भाई जो फेवरेट टीम है अरावली एरोज की, इनके भाई मैं मिनिमम क्या मैक्सिमम लगा लो या मिनिमम लगा लो, 5 प्लेयर हमें पिक करने होते हैं एक टीम से मैक्सिमम, और मैं इनके मैक्सिमम ही लेकर चलूंगा। यहां पर अगर आप देखो ज्ञानू टाकर को, लास्ट मैच में आप देखिए 1 टैकल पॉइंट, उससे पहले भाई यहां पर एवरेज रही थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो कुछ खास नहीं किया, बट फर्स्ट मैच में हिमालयन ताहर्स के सामने 2 टैकल पॉइंट निकाले थे। इसके अलावा अगर बात करें तो किरण पवार मात्र और मात्र 1 मैच खेला, 3 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाले। इसके अलावा बात करें मनप्रीत कौर चीना की, तो लास्ट मैच में भाई 6 टैकल पॉइंट निकाल कर आ रही है, जबरदस्त प्लेयर है, बैक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बात करें भाई ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर भाई सुषमा शर्मा भारद्वाज आपको दिखेंगी, जो कि भाई जबरदस्त प्लेयर है। और यहाँ पर देखिए जो सेकेंड लास्ट मैच
था, इसमें दो टैकल पॉइंट एक टच पॉइंट निकाला, तो एज ए डिफरेंशियल पिक आप इन्हें जरूर बैक कर सकते हो। मस्टर पिक की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। यहाँ पर अगर बात करोगे प्राची बेनीवाल को, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लास्ट मैच में 3 टच पॉइंट 1 टैकल पॉइंट है, और जो सेकेंड लास्ट मैच था उसमें भी भाई बंदी ने 1 टैकल पॉइंट और यहाँ पर भाई 1 टच पॉइंट निकाला हुआ है, तो ये आपके लिए मस्टर पिक की कैटेगरी में रहने वाली है। बाकी अगर बात करें रेटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर आपको दिखेंगे निधि शर्मा, तीनों के तीनों मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस। हिमालयन ताहर्स के सामने सुपर 10 लगाया, इसके बाद भाई जो पलानी टस्कर्स की टीम है इनके सामने भी सुपर 10, और जो लास्ट मैच भाई खेला पंचाला प्राइड्स के सामने इनके सामने भी सुपर 10, तो जबरदस्त प्लेयर है, कैप्टनसी की सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगी। वही अगर आप देखोगे राखी तंवर को, तो लास्ट मैच में भाई इन्होंने 9 टच पॉइंट निकाले, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सेकंड लास्ट मैच में 2 टच पॉइंट 1 टैकल पॉइंट, लेकिन पहले मैच में फ्लॉप भी रही थी, बट मैं ये बोलूंगा कि आप इन्हें भी अपने टीम में जरूर रखिएगा। अब अगर बात करें भाई टीम के प्रीव्यू की, तो चलिए टीम बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें ज्योति अर्ग्यान 100% टीम में, यहाँ पर ज्ञानू टाकर एम को और चाइना को मैं टीम में रखूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो के पनवर को रख सकते हो, अभी के लिए के पनवर को रखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रिया बेनीवाल को मैं अपनी टीम में रखूंगा। रेडिंग सेक्शन में अगर आप चलोगे, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए अवंतिका चौधरी, निधि और इसके अलावा भाई आर तंवर, ये तीन प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैप्टनसी की बात करें निधि को मैं कैप्टनसी दूंगा। वीसी की बात करें तो पी बेनीवाल को वीसी देने वाला हूँ। आप अगर चाहो तो आर तंवर को भी अपनी टीम में एज ए वीसी लेकर जा सकते हो। टीम के प्रिव्यू की बात करें, वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी अगर चेंजमेंट होता है, कुछ भी अगर अपडेट आते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ जो WPL है उसका भी भाई फर्स्ट मैच की वीडियो मैंने आपको दे दी है, कहां पर टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक मिल जाएगा, या जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना उसी चैनल पर आपको इस मैच की वीडियो दिख जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, टीम को सेव कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।